हाय एवरीवन वेलकम टू कलरफुल थ्रेड सो फ्रेंड्स एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट के डिजाइन देख सकती हैं आपकी दो कलर में बनी हुई कितनी खूबसूरत जैकेट है ये और ये जो जैकेट है बहुत ही जल्दी बन के रेडी हो जाती है ये पूरी जैकेट बनाई है मैंने 36 एंड 38 चैट साइज के लिए अगर आप इसे छोटा बनाना चाहती हैं तो आप इसे थ्री एम एम के क्रोशा हुक से बनाए और अगर आप इसे एक साइज बड़ा बनाना चाहते हैं सेम चेन में जितनी मैंने बनाई है तो आप फोर एम एम के क्रोशा हुक से बना सकते हैं मैंने जो बनाया है ये थ्री पॉइंट फाइव एम एम के क्रोशा हुक से बनाया है और बिल्कुल परफेक्ट इसकी कटिंग है पूरा आप देख सकते हैं योग साइज हो या इसकी लंबाई हो या फिर इसका नेक हो जो मैं पास से दिखाती हूँ ये देखिए इसका नेक वगैरह कितना परफेक्ट बना हुआ है योग भी बिल्कुल परफेक्ट है डिजाइन भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है इनफैक्ट अगर आप इसे एक कलर के डिजाइन से बनाते हैं तो भी बहुत ही ज्यादा सुंदर लगने वाली है ये जैकेट मैं तो कहूंगी सीजन एंड होने वाला है एक जैकेट इस तरीके की जरूर बनाए सब आपकी तारीफ करेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया है ये है इसका फ्रंट साइड पूरी लंबाई है इसमें लंबाई आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हैं और ये है इसका बैक पूरे में सेम ही डिजाइन पड़ी हुई है आगे से पीछे तक की नेक्स्ट मैंने इसे शुरू किया है प्रॉपरली पूरा स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया है कि कैसे आपको इसे छोटा या बड़ा बनाना है अगर आप इसे और भी बड़ा साइज बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से आप इसे बड़ा करेंगे तो आप बना सकते हैं अगर आप इसी डिज़ाइन में किसी छोटे बच्चे के लिए बनाना चाहते हैं तो उसका भी वीडियो अपलोडेड है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वहां से जाके छोटे बच्चे के लिए भी बेबी के लिए भी आप इसे बना सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न है और इसकी स्लीव देखिएगा बिल्कुल पफी लुक में मैंने स्लीव बनाई है यहाँ पे मैंने हल्का से इसमें बॉर्डर दिया है जिसकी वजह से इसका स्लीव का जो लुक है काफी पफी हो जाता है बहुत ही फंकी लुक देती है बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है और कहीं से भी आपको ये अनकंफर्टेबल फील नहीं होगी बिल्कुल परफेक्ट साइज बन के ये रेडी हुआ है तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये वीडियो बट बढ़ आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और आने वाले बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियोस अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके अगर आप और भी नए नए वीडियोस देखना चाहते हैं तो बेल आइकन तो आपको दबाना ही होगा तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाएँ वीडियो अगर थोड़ा भी पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर और ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये जैकेट कैसी लगी तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो सबसे पहले मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ जैसा कि मैंने आपको बताया ये मैंने बनाया है 36 और अड़तीस साइज के लिए तो ये देखिए इसका जो यहाँ से अगर मैं इसमें मेज़र कर रही हूँ तो ये अठारह जो है इसके आगे का पूरा है तो अराउंड ये आ, थर्टी सिक्स बन के रेडी हुआ है थोड़ा स्ट्रेचेबल भी होता है तो अड़तीस चेस्ट वालों को भी आराम से आ जाएगा इसकी जो लंबाई मैंने इसमें बनाई है तो मैं यहाँ इसे शोल्डर से मेज़र करूँगी ये देखिए ये शोल्डर है तो यहाँ से मैं इसे मेज़र करूँगी और इसकी प्रॉपर लंबाई है सत्ताईस इंच ये देखिए सत्ताईस इंच की इसकी लंबाई है और इसका जो स्लीव है इसे मैं यहाँ से मेज़र करूँगी अंडर आर्म से इस जगह से मेज़र करूँगी तो यहाँ से ये अठारह इंच है ओके तो इतना बड़ा इसका टोटल साइज है मैंने इसे बनाया है 3.5 पॉइंट mm की क्रॉस या की हुक से ये है थ्री पॉइंट फाइव एम एम की क्रॉचा हुक या फिर नौ नंबर की क्रॉचा हुक अगर आप इसे छोटा साइज़ बनाना चाहती हैं तो एक नंबर कम क्रोशिया हुक से बनाएं और अगर बड़ा साइज़ इससे बनाना चाहते हैं तो एक नंबर ज़्यादा से बनाएं चेन सेम ही चेन स्पेस में ऊन जो इसमें मुझे लगी है वो ग्रीन कलर की ऊन मुझे ढाई सौ ग्राम लगी है और वाइट कलर की ऊन दो सौ ग्राम लगी है टोटल साढ़े चार सौ ग्राम उसमें ऊन लगी है एक फुल स्वेटर में इतना ही मेज़र ही होता है साढ़े चार सौ से चार सौ पचहत्तर ग्राम के बीच में ऊन आपको छत्तीस से अड़तीस साइज का बनाने में लग जाती है और अगर आप हाफ बना रहे हैं तो आपको तीन से सवा तीन या साढ़े ग्राम ऊन लगती है थोड़ी सी घने डिज़ाइन है ऊन इसीलिए थोड़ी ज़्यादा भी लगती है इसमें तो चलिए फिर फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये जैकेट को बनाने के लिए मैंने टोटल इसमें वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी एक सौ बीस चेन ली है और एक सौ बीस चेन के बाद आपको इसमें दो चेन और ऐड करनी है वन एंड टू एक और दो पहली दो चेन को स्किप करेंगे एक दो तीन चेन स्किप करेंगे एज अ फर्स्ट डबल क्रोशिया और फोर्थ नंबर वाली चेन से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे तो जो तीन चेन हमने स्किप की है वो हमारी पहली डबल क्रोशिया होगी और उसके बाद जितनी भी चेन बनी हुई हैं उन सब में एक एक डबल क्रोशिया बना के रेडी करना है अगर 120 आपने चेन डाली है तो 120 चेन 120 डबल क्रोशिया ही बन के रेडी होगी अगर आप इतनी ही चेन में छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो थ्री एम एम के क्रोशिया हुक से बना सकते हैं और अगर आप बड़ा साइज़ बनाना चाहते हैं इतनी ही चेन में तो आप फोर एम एम के क्रोशिया हुक से बना सकते हैं यहाँ मैं इसे थ्री पॉइंट फाइव एम एम के क्रोशा हुक से बना रही हूँ यानी नौ नंबर की क्रोशिया हुक है तो छोटे साइज़ के लिए आप इसको हाँ, आठ नंबर की और बड़े साइज़ के लिए दस नंबर की क्रोशिया हुक से बनाएँ तो इस तरह से सब में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और पूरे में ऐसे ही ओवर करेंगे पूरे में मैंने डबल क्रोशिया बना के रेडी कर ली है और अब इसमें दो चेन बना के जो फर्स्ट नंबर वाली डबल क्रोशिया है इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे जो दो चेन होगी वो हमारी पहली डबल क्रोशिया काउंट नहीं होगी जो डबल क्रोशिया हम बनाएंगे पहली डबल क्रोशिया वही है टोटल इसमें वन टू थ्री तीन और चार तो तीन डबल क्रोशिया हमने बना ली ये फोर्थ नंबर है और चार डबल क्रोशिया के बाद जो पांचवी डबल क्रोशिया होगी उसमें हमें दो डबल क्रोशिया बना लेनी है एक और दो ओके फिर से चार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो डबल क्रोशिया क्रोशिया के बाद जो फिफ्थ नंबर डबल डबल आएगी उसमें एक क्रोशिया बनाएंगे और सेम ही स्पेस से उसी जगह से दूसरी डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए हमें एंड पे आ जाना है हर चौथी डबल क्रोशिया के बाद पांचवी डबल क्रोशिया में एक डबल क्रोशिया को बढ़ा पांचवी डबल क्रोशिया पर इसमें फंदों को बढ़ा लिया है ओके और अब नेक्स्ट रो के लिए थर्ड रो के लिए क्या करेंगे बढ़ाना हमें आ, हर रो में है बट सिर्फ एक डबल क्रोशिया को से ज़्यादा बढ़ाना है पहले चार डबल क्रोशिया के बाद पांचवी में बढ़ाया था और अब पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे दो चेन बना के सेम उसी प्लेस से एक हमने डबल क्रोशिया बना ली एक दो तीन चार और पाँच पाँच डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो छठी वाली है सिक्स वन है उसमें दो बनाएंगे एक और दो तो इस तरह से हमें बढ़ाना है पहले हमने चार डबल क्रोशिया के बाद पाँचवीं में बढ़ाया था इस बार पाँच डबल क्रोशिया के बाद छठे नंबर वाले पे बढ़ा लेंगे तो इसी तरह से कंटिन्यू करते हुए फ्रेंड्स आपको इसमें कुछ रोज़ बना के रेडी करनी है Uh, सिर्फ आपको uh, हर रो में फंदों को बढ़ाना है बट एक डबल क्रोशिया इंक्रीज करते हुए यहाँ पे फिर से देखिएगा एक दो तीन चार के बाद पांच डबल क्रोशिया बना लेंगे और जो छठी वाली है इसमें दो बनाएंगे एक और दो ओके तो इस तरह से इस राउंड में हमने छठी वाली में मतलब सिक्स नंबर वाली में दो डबल क्रोशिया बनाई है इसके बाद वाले राउंड में छः डबल क्रोशिया बना के सातवें नंबर पे बढ़ाएंगे उसके बाद सात बढ़ा के आठवें नंबर पे बढ़ाएंगे और उसके बाद आठ बना के नौवें नंबर पे बढ़ाएंगे तो इसमें हमें लगभग सात से आठ राउंड इसी तरह से बना के रेडी करने हैं बॉर्डर के लिए अगर आप बॉर्डर ज़्यादा चौड़ा नहीं चाहते हैं तो आप छः राउंड बना लें अगर आप चौड़ा पसंद करते हैं तो आप आठ राउंड बना सकते हैं ये मेरा तीसरा राउंड है पहले में हमने पाँच चार डबल क्रोशिया के बाद पाँचवें में बढ़ाया दूसरी बार छः के बाद पाँच के बाद छठे में बढ़ाया है इसके बाद वाले में छः डबल क्रोशिया बनाएंगे फिर सातवें में बढ़ाएंगे फिर सात डबल क्रोशिया बनाएंगे आठवें में बढ़ाएंगे उसके बाद आठ डबल क्रोशिया बनाएंगे नौवें में बढ़ाएंगे तो इस तरह से बढ़ाते हुए कुछ राउंड इसमें बना के रेडी कर लेने हैं सात से आठ राउंड बना लेने हैं तो मैं इसमें कुछ राउंड बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस राउंड में कितनी डबल क्रोशिया के बाद बनाया है बढ़ाया है और इसका शेप कैसा आ रहा है यहाँ मैंने टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स राउंड बना के रेडी किए हैं सेकेंड राउंड में जैसे कि बताया था पाँच के बाद चार के बाद फिफ्थ वन में हमें फंदों को बढ़ाना है उसके बाद पाँच के बाद फिर छः के बाद आ, इस वाले फिफ्थ वाले आ, राउंड में मैंने कोई भी फंदा नहीं बढ़ाया है सब एक एक डबल क्रोशिया बनाई है और लास्ट में सात के बाद फंदों को फंदे को बढ़ाया है और अब हमें इस इसमें डिजाइन को बनाना है अपनी डिजाइन बनाने के लिए यहाँ जो लास्ट डबल क्रोशिया होगी इसे हमें आधा ही बनना है तो यहाँ पे इसे पूरा ओवर नहीं करेंगे आधा ही ओवर किया है और अब मैं यहाँ पे वाइट कलर का धागा ऐड करूँगी ओके okay, वन टू टू चेन बना के दो चेन बनाएंगे वर्क को टर्न करेंगे और जो सबसे पहली वाली डबल क्रोशिया है सेम उसी जगह से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे तो ये जो दो चेन है वो एज अ डबल क्रोशिया नहीं काउंट करेंगे जो हमने डबल क्रोशिया बनाई है डबल क्रोशा की तरह इसे ही काउंट करेंगे एक और दो डबल क्रोशिया स्किप करेंगे थर्ड वन वाली में डाल के एक डबल क्रोशिया दो चेन और सेम इसी जगह से जहाँ से डाला है इसी स्पेस से फिर से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे तो इस तरीके का एक वी बन के रेडी हुआ अगेन वन टू दो स्किप कर देंगे और तीसरी वाली में डाल के फिर से एक डबल क्रोशिया दो चेन और एक डबल क्रोशिया इसी स्पेस से बना लेंगे फिर से दो स्किप करेंगे तीसरी वाली में एक डबल क्रोशिया, दो चेन और एक डबल क्रोशिया। पूरे में हमें ऐसे ही करना है इसी तरीके का भी बना के पूरे में रेडी करना है ओके हर दो डबल क्रोशिया के बाद तीसरी डबल क्रोशिया में बना के रेडी तो करें पूरी रो बन के रेडी है पूरे में सेम वैसे ही बना लिया है और अब नेक्स्ट रो के लिए दो चेन बनाएंगे वर्क को टर्न कर लेंगे और जहां पे एक सिंगल डबल क्रोशिया बनाई है सबसे लास्ट में इसी जगह से फिर से डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ बना लेंगे और अब यहाँ पे दो चेन बनी हुई है बीच में और इधर दो डबल क्रोशिया है तो फर्स्ट डबल क्रोशिया में इस तरह से देखिएगा नीचे की तरफ से डालना है कवर करना है इसे और एक डबल क्रोशिया इसमें बना लेना है जो दो चेन का स्पेस इस है इसमें बनाएंगे दो डबल क्रोशिया एक और दो दो चेन सेम इसी स्पेस से फिर से डालेंगे और दो डबल क्रोशिया बना लेंगे एक और दो अगेन जो इधर वाली डबल क्रोशिया है इसमें नीचे से डालेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे सब में हमको इसी तरीके का पैटर्न बना के रेडी करना है फिर से ही इधर जो डबल क्रोशिया है इसे नीचे की ओर से कवर करेंगे एक डबल क्रोशिया दो चेन के स्पेस में बनानी है हमें दो डबल क्रोशिया, दो चेन और दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया और जो इधर वाली डबल क्रोशिया है इसमें भी नीचे से कवर करेंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए पूरी आ, रो में इसी तरह के डिजाइन बना के हमें रेडी करनी है यहां मैंने पूरे में सेम ही पैटर्न को रिपीट करके दूसरी रो भी बना ली है और अब इसमें अगेन धागे को चेंज करना है धागे को चेंज करने के लिए देखिए ये जो ग्रीन कलर का थ्रेड है मेरे पास इसे मैं यहाँ पे एक डबल क्रोशिया है इसी में फंसा दूंगी पहले इस तरह से ओके लास्ट वाली डबल क्रोशिया में हमें बनाना है डबल क्रोशिया और अब इसे आधा ही ओवर करेंगे इसके बाद अगेन ग्रीन कलर का थ्रेड लेंगे और इसे ओवर कर लेंगे वन टू दो चेन बना के वर्क को टर्न करेंगे और सेम जहां से अभी डबल क्रोशिया बनाई है उसी स्पेस से फिर से डाल के एक डबल क्रोशिया बना लेनी है यहाँ जो दो चेन का स्पेस है दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनी थी तो इस दो चेन के स्पेस में फिर से हमें बनानी है एक डबल क्रोशिया दो चेन और एक डबल क्रोशिया अगेन जो दूसरी वाली है उसमें भी एक डबल क्रोशिया दो चेन और एक डबल क्रोशिया सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और इसी तरह से इस रो को भी ओवर करना है इसके बाद आ, सेम जैसे ही हमने इससे पिछले वाली रो में बनाया है जैसे पैटर्न इसमें बनाया है यहाँ पे डबल क्रोशिया को नीचे से उठाना है और फिर जो दो चेन का स्पेस है उसमें दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया बनाई है सेम ही पैटर्न को फिर से बना के हमें रेडी करना है तो इस राउंड में आ, ऐसे ही बनाएंगे जैसे ये वाला पूरा पैटर्न बनाया है दो रो में एक पैटर्न कंप्लीट होता है तो आ, सेम ही पैटर्न को फिर से यहाँ पे बना लेंगे स्टार्टिंग मैंने कर दी है इसके बाद दूसरा रो भी सेम ही तरीके से बना के रेडी करना तो है सेम पैटर्न को रिपीट करके मैंने इसमें दूसरे कलर से भी सेम ही डिज़ाइन को बना ली है तो इसी डिज़ाइन में अब आपको पूरा वर्क करना है बट एक बार यहाँ फंदों को और बढ़ाएंगे ताकि इसका चेस्ट साइज जो मैं बना रही हूँ उसके अकॉर्डिंग हो जाए आ, अगर आपको आ, और ज़्यादा नहीं बढ़ाना है तो आप इतनी ही डबल क्रौा के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अपने वर्क को इसका पूरा योग साइज़ जो आठ से साढ़े आठ इंच तक बनना है आप सिर्फ दो डबल क्रौा के साथ ही कंटिन्यू रखें बट अगर आपको बड़ा साइज़ बनाना है तो आपको इसमें एक बार और फंदों को बढ़ाना पड़ेगा और अगर और भी ज़्यादा बड़ा साइज़ बनाना है तो आपको ऊपर से ही यहाँ से ही फंदो पहले चेन को बढ़ाना होगा चेन एक सौ तीस चेन में आप इसे इसका बड़ा साइज़ बना सकते हैं तो फंदों को बढ़ाने के लिए देखिएगा स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे फिर से धागे को चेंज करूँगी हर दो रो पे मैंने इसमें कलर को चेंज कर लिया है और सेम ही पहली वाली जो डबल क्रोशिया है वहाँ से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे फर्स्ट वन में डालेंगे और एक डबल क्रोशिया सेम ये वाला जो दो चेन का स्पेस है इसी में वर्क करना है एक डबल क्रोशिया और अभी तक यहाँ पे दो चेन बना रहे थे बट फंदे को बढ़ाना है इसलिए अब यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे और सेम जगह से फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे अगेन नेक्स्ट वाली बीच में कहीं वर्क नहीं करना है सिर्फ आपको दो चेन के स्पेस में ही वर्क करना है और इसमें बना लेनी है अब एक डबल क्रोशिया तीन चेन और एक डबल क्रोशिया अगेन नेक्स्ट वन में एक डबल क्रोशिया तीन चेन और एक डबल क्रोशिया सेम प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए एंड पर आएंगे तो ये देखिए पूरे में सेम ही पैटर्न को रिपीट किया है और अब यहाँ पे काफ़ी फंदे बढ़ गए हैं जब इसमें आप डिज़ाइन बनाएंगे तो ऑलरेडी आपको पता चलेगा कि इसमें फंद फंदे पड़ चुके हैं तो ये इसका तरीका होता है फंदों को बढ़ाने का और अब यहाँ पे जब तीन चेन बन चुकी है तो अब इसमें डबल क्रोशिया भी बढ़ा लेनी है और जितनी डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे आगे आपको पूरे वर्क में उतनी ही डबल क्रोशिया से वर्क करना है दो चेन बनाएंगे वर्क को टर्न करेंगे सेम इसी स्पेस से पहले एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और अब ये जो डबल क्रोशिया है ये सेम ही रहेगी तो इसको नीचे से उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बना लेंगे बीच में तीन चेन के स्पेस में अब हमें बनानी है तीन डबल क्रोशिया, दो चेन और तीन डबल क्रोशिया। एक दो और तीन तीन डबल क्रोशिया बना ली दो चेन और सेम स्पेस से ही तीन डबल क्रोशिया। एक दो तीन अभी तक जहाँ दो डबल क्रोशिया दो चेन और दो डबल क्रोशिया बना रहे थे स्पेस में अब हमें बनानी है तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया बाकी ये जो डबल क्रोशिया है इसे नीचे से ऐसे ही उठाएंगे बाकी पूरी डिज़ाइन सेम वैसी ही रहेगी डिज़ाइन में कोई चेंज नहीं होगा और अब आपको इतनी ही डबल क्रोशिया से वर्क करना है ये रो जैसे बनी है सेम ऐसे ही आपको आगे की रोज इसमें बना के रेडी करनी है एक दो और तीन तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया तो सेम ही पैटर्न को रिपीट करते हुए ऐसे ही कलर को चेंज करेंगे और इसमें अपना योग साइज कंप्लीट करेंगे इसमें तीन से चार रोज और बनेंगी योग को कंप्लीट होने में तो मैं इसमें बना लेती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे में कितनी रोज़ बन के रेडी हुई हैं अब आपको कहीं भी कुछ भी चेंज नहीं करना है को बढ़ा दिया है मैंने और अब इतने ही नंबर ऑफ चेन से आपको आगे का वर्क कंटिन्यू करना है इसके बाद वाली जो रो में भी आपको एक डबल क्रोशिया तीन चेन और एक डबल क्रोशिया के साथ ही कंटिन्यू रखना है और जो ये वाला पैटर्न है ये तीन डबल क्रोशिया दो चेन और तीन डबल क्रोशिया से ही बनेगा सिर्फ दो रो बनाई है मैंने दो डबल क्रोशिया से उसके बाद अब तीन डबल क्रोशिया से वर्क करेंगे और इसे आठ से साढ़े आठ इंच तक बना के पूरा कंप्लीट करेंगे तो मैं अपना पूरा योग साइज तक कंप्लीट कर लेती हूँ फिर आपको इसका आगे का पीछे का और आर्म होल अलग करना बताती हूँ तो मैं इसमें बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी बार धागे को चेंज किया है और कितने राउंड बन के मेरे रेडी हुए हैं यहाँ मैंने सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए इसमें तीन डबल क्रोशा दो चेन और तीन डबल क्रोशा से तीन बार कलर को चेंज करा है टोटल छः राउंड बना के रेडी किए हैं और अब मेरा ये योग साइज़ पूरा हो गया है तो पहले मैं आपको इसमें इसका योग दिखा देती हूँ कितना है यहाँ से मेज़र करेंगे तो ये देखिए पूरा साढ़े आठ मेरा इसमें आ, योग कंप्लीट हो चुका है इतना ही योग आपको भी रखना है अगर इतना आ, इतनी रोज़ में आपका योग कंप्लीट नहीं होता है तो आपको रोज़ और बढ़ानी पड़ेगी इसके तीन डबल क्रशा दो चेन और तीन डबल क्रोशा के बाद मैंने कहीं भी फंदों को नहीं बढ़ाया है सेम वैसे ही इसमें कंटिन्यू किया है और अब यहाँ जो देखिएगा ये एक दो तीन चार ये जो पैटर्न बने हुए हैं ये टोटल मेरे पास सिक्सटी नाइन है अब इसमें इसका होल अलग करना है तो आगे के दस पैटर्न एक दो तीन चार पाँच छ आठ नौ दस यहाँ पे मैं पहले दस पैटर्न को आगे के साइड पे रखूँगी तो यहाँ पे एक मार्कर लगा लेना है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस यह है दसवा नंबर यहाँ पे एक मार्कर लगा लेंगे और अब इसके बाद पंद्रह हमें आर्म होल में रखना है जहाँ पे मार्कर लगाया है उसके बाद से काउंट करेंगे वन टू थ्री फ़ोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन ये हो गया फिफ्टीन नंबर तो सिक्सटीन नंबर वाला जो है इससे अपने आम आम होल को पंद्रह आम होल में कर देंगे और पंद्रह के बाद जो सोलवा नंबर है इसमें इसी मार्कर को सेट कर लेंगे ओके okay, तो ये हमारा आम होल अलग हो चुका है एक साइड का देखिए ओके सेम ही पैटर्न को दूसरे साइड भी करेंगे पहले यहाँ पे दस फ्रंट्स पे निकालेंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और दसवें नंबर वाले पे मार्कर को लगा लेंगे इसके बाद यहाँ से पंद्रह काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फोर्टीन और ये है फिफ्टीन नंबर सेम इसी मार्कर को खोल के आपको पंद्रह के बाद सोलह नंबर पे लगा लेना है पंद्रह अलग करेंगे और सोलवें नंबर पे लगा लेंगे और अब यहाँ पे जो पीछे बचा हुआ है हमारे पास तो जहाँ पे मार्कर लगाया है इसे काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन और ये नाइनटीन टोटल उन्नीस पीछे हैं दस दस आगे हैं और पंद्रह पंद्रह आम होल पे हैं तो अब आगे इसके बनाना स्टार्ट करते हैं तो डिज़ाइन जैसे बन रही है सेम वैसे ही इसे कंटिन्यू करेंगे सबसे पहले एक यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेनी है दो चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया, तीन चेन और एक डबल क्रोशिया। अगेन दो चेन के स्पेस में एक डबल क्रोशिया तीन चेन और सेम इसी जगह से एक डबल क्रॉस सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए जहाँ पे मार्कर लगाया है वहाँ पे आ जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पूरे में जो दस पैटर्न था स्टार्टिंग के उसमें हमने बना लिया है और अब मार्कर पे आ गई हूँ और इसके बाद इस मार्कर से सिर्फ यहाँ पे हमें जम कर देना है ये बीच का जो आम होल वाला हिस्सा है इसमें हमें कोई वर्क नहीं करना है तो डायरेक्ट इसमें हमें बना लेनी है एक डबल क्रोशिया तीन चेन और एक डबल क्रोशिया मार्कर को यहां से निकाल देंगे और ये देखिए अब हमारा ये आम होल इससे अलग हो गया है और ये हमारा आगे का और बैक का साइड जो है वो आपस में जुड़ गया है सेम इसी तरह कंटिन्यू करेंगे और पीछे का जितना भी पार्ट है उसमें सेम डिज़ाइन को बनाते हुए मार्कर तक आ जाएंगे जहां हमने मार्कर को लगाया है पीछे सेम ऐसे ही बनाएंगे और मार्कर तक आएंगे तो ये देखिए सेम पैटर्न को मैंने बैक के साइड में भी पूरा बना लिया है और अब नेक्स्ट वाले मार्कर पे हूँ मार्कर पे पैटर्न को बना लिया है और इस मार्कर को जहाँ हमने ऐड किया है ये वाला डायरेक्ट इस पर बना लेंगे अब एक डबल क्रोशिया तीन चेन एक डबल क्रोशिया तो मार्कर को यहाँ से हटा देना है और अब दोनों साइड का हमारा जो आम होल है वो अलग हो चुका है ये देखिए इस साइड का आम होल है ये भी अलग हो चुका है और अब इसमें हमें आगे का पूरा ये जो पार्ट बचा हुआ है इसमें भी सेम ही पैटर्न को बनाते हुए एंड पर आएंगे ओके okay, तो अब एंड पे आ गई हूँ लास्ट डबल क्रोशिया बनाना है इसे हमें बना लेना है इस तरह से हमारा पूरा आम होल भी अब इसमें अलग हो चुका है ये देखिए यहां से इतना आम होल अलग हो गया है ये है हमारा एक तरफ का पल्ला ये दूसरी तरफ का और ये हो गया बैक तो अब हमें सिर्फ इसी में वर्क करना है वर्क यही वाला करना है जो ये बना हुआ है तीन डबल क्रोशिया तीन दो चेन और तीन डबल क्रोशिया से ही हमें कंटिन्यू करना है और ये जो आपको लाइन दिख रही है ये देखिए ये पूरा रो आपको सीधी दिख रही होगी जो हमने अभी, अभी अभी बनाई है सिर्फ इसी पर हमें वर्क करना है और इसे अपने लंबाई के अकॉर्डिंग बना लेना है कुछ भी नहीं करना है सिर्फ आपको हर दो रो के बाद धागे को चेंज करना है जैसे अभी तक बनाया है सेम वैसे ही बना बनाना है कहीं भी कुछ भी बढ़ाना या घटाना इसमें नहीं है सेम वैसे ही नीचे से इसे उठाएंगे एक डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे बीच में बनानी है हमें तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन दो चेन और फिर से यहीं पे तीन डबल क्रोशिया एक दो तीन और इसे नीचे से उठाएंगे और यहाँ पे बना लेंगे तो सेम पैटर्न को ही कंटिन्यू करते हुए पूरे में जितने भी आपको ये दिख रहे हैं वी दिख रहे हैं उन सब वी में ऐसे ही बना लेना है यहाँ पे भी डायरेक्ट ही बनेगा यहाँ पे बनाने के बाद डायरेक्ट यहाँ तो यहाँ तक पहले बना लेते हैं तो ये देखिए पूरे में बना लिया और अब डायरेक्ट यहाँ जो ट्राइंगल बना हुआ है इसमें डालेंगे और इसमें बना लेंगे एक में नीचे से डाला फिर ये जो तीन चेन का स्पेस इस है इसमें हमें बना लेनी है तीन ना सेम ही पैटर्न को बनाना है जो अभी तक बनाया है और अब इसे ही आपको कंटिन्यू करना है हर दो रो के बाद धागे को चेंज करना है और अपने जितना भी आपको लंबा बनाना है उस हिसाब से इसे लंबाई के अकॉर्डिंग बना लें ये देखिए ये यहाँ से पूरा ऐसे ही बनेगा पूरी सीधी रोही अब बनेगी ये जितने में भी बनाया है हमने ट्रायंगल ये पूरा ऐसे ही बनेगा और उसके बाद इधर वाले आम होल में भी इसमें बना के डायरेक्ट इसमें बना लेंगे और एंड पे आएंगे वर्क को यहीं से टर्न करेंगे और फिर उसके ऊपर सारी रोज़ बना के रेडी करेंगे तो अब मैं इसमें अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें कितना लंबा बनाया है और ये देखने में कैसा लग रहा है हाँ ये जैकेट बन के रेडी है पूरी मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग इसे लंबा बना लिया है जितना भी मुझे चाहिए था आप भी उतना ही लंबा बनाएं जितना आपको ज़रूरत हो तो इसके आगे का पार्ट आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा तब तक के लिए बाय थैंक यू एंड हैव नाइस डे